अस्सलाम दिस इज फारूक जावेद फ्रॉम जीएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अक्सर लोग आजकल जिस तरह मार्केट में फैसले की मार्केट में थोड़ी सी सेल परचेज तेज हुई है, तो उस हवाले से अक्सर सवाल भी करते हैं और नेगेटिविटी के हवाले से उसको प्रमोट भी करते हैं कि ये जो थोड़ी सी मार्केट अपडेट हुई है या मार्केट में थोड़ी सी सेल परचेज तेज हुई है, तो ये टोटल बबल है और ये कुछ दिन चलेगा और उसके बाद जो है ना उसमें काफ़ी बड़ा स्लम नज़र आएगा और वंस अगेन जो है ना इन्वेस्टर्स वो स्टक हो जाएंगे। तो इस बात में कितने हद तक सदाकत है, ठीक है, कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को हम एक तो डिस्कस करेंगे। सेकंड ये कि परचेजिंग इस टाइम मजीद करनी चाहिए या नहीं, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। पिछले जो दो वीक हैं उसमें मार्केट में दो वीक पहले क्या पोजिशन थी मार्केट की, और इस टाइम अभी क्या जो है ना मार्केट की पोजिशन है, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है, लाजमी देखना है, ताकि आपको जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल स्टेट के वाले से एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आते हैं जो वो लोग जो कहते हैं कि अभी इस टाइम मशीनरी जो है ना वो इस टाइम मार्केट में थोड़ी सी जो है ना वो चल रही है सारी चीज़ें, या जो है ना वो आर्टिफिशियल, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि देखें तकरीबन 5-6 महीने जो है ना वो गुजर चुके हैं इस चीज़ को, कि मैं एक चीज़ रिपीटेडली कह रहा था इस प्लेटफॉर्म पर कि आप इलेक्शन का वेट करें, ठीक है। इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होंगे और जब कंफर्म होंगे तो आप देखिएगा मार्केट में किस तरह एक पॉजिटिव ट्रेंड चलता है, और अगर पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ देखें तो मार्केट में करेक्शन नहीं हुई बल्कि स्टेबल रही है। और अभी पिछले जो 2 वीक गुजरे उसमें फैसिलिटीज और B17 बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं DHA वगैरह भी, उसमें रिकॉर्ड किस्म की परचेजिंग हुई है। फैसिलिटीज में तो इस टाइम यकीन माने कि मुनासिब चीज़ें ढूंढने से भी इस टाइम नहीं मिल रही, चाहे वो एग्जेक्टिव ब्लॉक हो या फिर जो है ना सी ब्लॉक हो या बी ब्लॉक हो, और उसमें जो है ना इंतहा की जो है ना वो परचेजिंग इस टाइम चल रही है। तो परचेजिंग जो सेकंड जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है वो ये कि क्या अभी इससे हमें परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं। परचेजिंग का टाइम इससे बेस्ट मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, अभी तो इनिशियल फेज़ है। आप अगर आप देखें तो अभी जस्ट स्टार्टअप है, अभी जब इलेक्शन होंगे उसके बाद पॉलिसीज आएंगी रियल स्टेट के वाले से। जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है या नई गवर्नमेंट जब आती है तो वो रियल स्टेट के वाले से एक पॉलिसी देती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जब पॉलिसी मार्केट में आएगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ीद इसमें आपको ट्रेंड नज़र आएगा। सेकंड एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेट्स में कितना डिफरेंस आया है। रेट्स में अगर आप देखें पिछले 2 वीक्स में ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो रेट्स में इंक्रीमेंट हमने देखा है। अगर आप ए ब्लॉक में देखें जो कि 4700 सीरीज थी, 4600 सीरीज थी, वहाँ पे 42-43 में ट्रेडिंग हो रही थी, अभी 46 लाख में फाइनल जो है ना वो चीज़ें मिल रही हैं, उससे कम 1 रुपया जो है ना। अभी अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक देखें, एग्जेक्टिव ब्लॉक आपका जो 600 सीरीज थी, जो पिछले मिनिमम जो प्राइस थी वो 45-43 थी, लेकिन अभी आपको 50 से कम कोई चीज़ नहीं मिल रही। आप अगर कनाल की बात करें तो कनाल में भी जो है ना वो आपको चीज़ पुराने रेट्स में नहीं मिली, तो इंक्रीमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मार्केट में हुआ है। और अगर आप ZM जाते हैं तो आपको को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं सेल परचेज के हवाले से। तो ये थी ओवरऑल जो है ना फैसिलिटीज के बारे में वीडियो। बाकी मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि मार्केट जब तेज़ होती है, अच्छी होती है, तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि सीरियस बंदों के साथ काम करना है। आपने जो है ना वो टाइम पास होते हैं बंदे जो कि जड़ियाँ लगाने आते हैं, ठीक है, जो कि शोर मेले के लिए आते हैं, सीज़न लगा के चले जाते हैं, उन लोगों के साथ आपने काम नहीं करना जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, जो तकरीबन 4-5 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, जो भी हैं मतलब आप जिनको अपने सर्कल में आपको पता लग जाता है उन्हीं के साथ काम करना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई बड़ा स्कैम आपके साथ ना हो। तो मज़ीद वीडियो के लिए आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।